नमस्कार। आज अपन बात करेंगे वॉरेन बफेट की। विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे बड़े सफल बिजनेसमैन, आज उनके मैनेजमेंट मंत्र, उनके इन्वेस्टमेंट मंत्र के बारे में बात करेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, कभी एक सोर्स मत रखो इनकम का। वो कहते हैं कि कहीं पे भी आप किसी एक इनकम सोर्स के ऊपर ना जिए। आप अपने जो इनकम सोर्स है ना, वो तरह तरह के इनकम सोर्स पैदा करते रहें। अगर आप एक ही इनकम सोर्स के ऊपर जियोगे ना, तो मान लो अगर वो इनकम सोर्स आपका बंद हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? आप एकदम रोड पे आ जाओगे। अगर आपके पास दो या तीन तरह के ऑप्शन होंगे ना, तो हर तरह से आपके पास पैसा आता रहेगा और आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो उनका यही मानना है कि कभी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड न रहें। सेकंड, वो कहते हैं कि सारा पैसा एक जगह इन्वेस्टमेंट मत करो। उनका यह मानना है कि अगर आप कोई बचत कर रहे हो, तो अलग अलग फंड में बचत करें, जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। वो कहते हैं कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो सिर्फ एक जगह ना करें, अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एक जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, अगर मान लो अगर वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला, तो क्या होगा? आपका पैसा आपको नुकसान दे जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, हर जगह थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करो, तो वो पैसा आपको जरूरी प्रॉफिट देके जाएगा। उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज मत खरीदो जिसकी आपको जरूरत ना हो। वो कहते हैं कि खाली दिखावे के लिए कोई भी चीज ऐसी मत खरीदो। उनका यह मानना है कि ऐसी चीज अगर आप खरीदोगे ना, तो वो चीज हमेशा आपको नुकसान ही देगी, वो आपकी इनकम को नहीं बढ़ाएगी। जिस चीज को अगर आपको वास्तविक जरूरत है ना, वही चीज खरीदे, बिना फालतू तो लोगों को दिखावे के लिए कोई भी चीज न खरीदे। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। कोई आईफोन खरीद लेता है, किसी को अगर कार की जरूरत नहीं है तो भी कार खरीद लेता है, और किसी को कोई भी किसी चीज की जरूरत नहीं है तो भी खरीद लेता है, वो लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आपको पता नहीं है, वो चीज़ एक बार तो आप खरीद लेते हो, लेकिन पता है उस चीज़ का आपको नुकसान ही होता है, आपको उसका आउटपुट क्या होता है आपको खुद को ही पता नहीं चलता है, और आप अपने पैसे का नुकसान खाते हो। किस चक्कर में खाते हो? लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ ना खरीदें जिसका कोई उपयोग ना हो, वॉरेन बफेट कहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क उतनी ही लो जितनी आप सहन कर सको। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और उसके साथ में आप बिजनेस का भी प्लान कर रहे हो, तो रिस्क उतनी ही ले जितनी आप सहन कर सकें। सारे पैसे एक जगह आपने रख दिए और अगर मान लो बिजनेस नहीं चला, तो फिर क्या होगा आपका? आप डिप्रेशन में आ सकते हो, आप का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उतना ही इन्वेस्टमेंट करें, उतना ही किसी जगह पैर पसारें जहां आपको लगे कि यार नुकसान हो भी जाएगा तो मैं वापस अपनी स्थिति संभाल लूंगा। इसलिए उतना ही कार्य करें जितना आप सहन कर सके। वो ये कहते हैं कि अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी हो ना, तो दोनों पैर अंदर न रखें, एक पैर रखें। अगर आप दोनों पैर अंदर रखोगे तो डूब जाओगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्वयं होंगे। इसीलिए कभी भी अगर आपको कुछ भी बिजनेस करना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, और अगर कुछ भी करना हो ना आपको, तो सबसे पहले इतना ही करें, इतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप सहन कर सके। अपनी सारी पूंजी किसी एक जगह न लगाएं। वो कहते हैं अपने इनकम का 10% हमेशा बचाएं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप कितना कमाते हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप करोड़ों कमाते हो, लेकिन अगर आपकी बचत 1,000 रुपये भी नहीं है ना, तो करोड़ों आपके लिए कुछ भी काम के लिए। अगर आप 10,000 भी कमाते हो और उसमें अगर 500 भी पर मंथ सेविंग करते हो ना, तो आप उस 1 करोड़ कमाने वाले से आगे हो जाओगे आप। वो कहते हैं कि अपनी इनकम का 10,000 आप कमाते हो, तो 10% आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो, तो 1,000 रुपये आपको सेविंग करना जरूरी है, तभी आप जीवन में उस सेविंग को आप डबल करके और आगे बढ़ पाओगे। अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हो और अगर आपकी सेविंग 0 है ना, तो फिर आप
दिन ब दिन नीचे चलते जाओगे, कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। कितना भी कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी सेविंग कितनी है उससे फर्क पड़ता है। आप कितना आगे बढ़ोगे वो आपकी सेविंग तय करती है। आप कितना कमा रहे हो, कितना टर्न और घुमा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जितना हो सके सेविंग करें। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप